शिवा वर मोहे है, शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरू, जब जाए लड़ू हरी से तब निश्चय डरू ना हरी से, जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूँ, पंजाब दे वास्ते पंजाब दे मुद्दियां वास्ते पंजाब दे भलाई वास्ते गुरु महाराज दी मेहर नाल तगड़े डट के पंजाब दे हितां दे उत्ते पैरां दे जी की गठ जोड़ होऊगा गुरु दरबार ते खड़ के मैं ओ भुल नहीं करना चाहता जिहड़े दूजे लोग सत्ता दे ताकत च अहंकारे करी जांदे आ गुरु घर नूं घटिया राजनीति च लवेण वास्ते नहीं साहब इत्थे खड़े जिहड़ियां गल्लां तुसीं राजनीति कर रहे हो राजनीतिक मंच ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इक इक गल दा जवाब देंगे साहब पर गुरु घर नूं इस काम च लवेण वालां दा हाल भी बहुत माड़ा होगा निसंदेह कि जब कोई नया अध्यक्ष आता है तो निसंदेह वो नई ऊर्जा के साथ काम करता है और हमारे सुनील जाखड़ जी अब आए हैं एक नई ऊर्जा से के साथ आगे काम करेंगे। वो पुराना एक्सपीरियंस भी है उनका क्योंकि एक अच्छा वो राजनीतिक घराने से संबंधित भी रखते हैं और उनका पुराना भी एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में भाजपा और तरक्की करेगी, ऐसा हमारा मानना है और हमारी तरफ से सुनील जाखड़ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सामने जी की जो संभावनाएं चल रही है अकाली दल के साथ गठजोड़ की? ये देखिए ये काम हाईकमान का है, ये यहाँ पर नहीं है, उनकी इच्छा के ऊपर नहीं है। बीजेपी के लीडर कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से आकर बीजेपी के जो अहदे है वहाँ पे कांग्रेस के लीडर बैठ रहे हैं लेकिन बीजेपी के पुराने लीडर बोल रहे हैं कि किसानी आंदोलन में हमने हम पर हमले हुए, हम पर लोगों ने पथराव किया लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े रहे लेकिन पार्टी हमें दरकिनार कर रही है। ऐसा है कि आज उत्साह देख कर आप मेरा ख्याल आपकी इस बात का जवाब होगा। बाकी ऐसा है कि जब बड़ा परिवार होता है तो ये कुछ संभावनाएं रहती हैं मगर इसमें ऐसा नहीं है। भाजपा में एक बहुत खूबसूरती है, भाजपा में बहुत खूबसूरती है कि वो सब मिलकर काम करते हैं, वो अपने विचार जो है वो संगठन उनके लिए सर्वप्रिय है क्योंकि भाजपा में काम करने वाला सबसे पहले उसके राष्ट्रीय है और उसके बाद उसकी पार्टी है, उसका दल है और उसके बाद वो स्वयं है और इसलिए किसी की भी स्वयं की अपनी इच्छा शक्ति को वहाँ नहीं होती और सबके लिए राष्ट्र और जो है हमारा दल है हमारी पार्टी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सब मिलकर काम करेंगे। बोलिए भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने आदरणीय सुनील जाखड़ जी को पंजाब के अध्यक्ष बनाने का जो फैसला किया, मेरा स्पष्ट मानना है कि जाखड़ जी एक बड़े लीडर है, पंजाब की जनता उसे पहचानती है। उन्होंने और उनके पिताजी ने काफ़ी देश की और पंजाब की सेवा भी की है और एक पंजाब की जनता को एक निडर नेतृत्व चाहिए इस स्थिति में, तो जाखड़ जी की अध्यक्षता में आने वाले 24 की चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और पंजाब में भी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वो उन पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैंने इसलिए ही बताया अकेले ही लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब जो आप समझो। फिर भी आप बताएं इंदिरा की वजारत मिलने जा रही है, सियासी सफों में ये हलचल पैदा हुई है कि सुधीर बादल कल 7 जुलाई को केंद्रीय खेती मंत्री बनने जा रहे हैं, कितनी खिंचाई इसमें? देखिए मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अकेली चुनाव लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी।